हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में क्षमता से अधिक बंदी हैं। ऐसे बंदी जो सजा याफ्ता हैं, उन्हें दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। यह बात मंगलवार को डीजी जेल उत्तर प्रदेश आनंद कुमार ने मंडल कारागार का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। डीजी जेल आनंद कुमार ने कहा कि जेल में बंद कैदियों को अच्छा इंसान बनाने के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और योगा जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि उनमें चेतना जागे और वह अच्छे इंसान बन सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जेल में बंद कैदियों को रोजगार परक ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके लिए प्रशिक्षक आएंगे। आज यहाँ पर मैं बांदा जेल का निरीक्षण करने आया था। बांदा जेल काफी पुराना जेल है, जैसे आप लोग सब अवगत हैं कि 1860 में यहाँ की एक जो लगा है 1860 दिखाता है, और अंदर की जो प्रशासनिक बिल्डिंग है वो 1936 की है। तो इसमें इस हिसाब से बांदा जेल बहुत ही ऐतिहासिक जेल है, और जेल का निरीक्षण करने में आया था। शिक्षण में सिस्टमिक कमियों को देखा जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। मैं यहाँ कुछ छापेमारी करने नहीं आया हूँ। व्यवस्था में कैसे आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, कैसे सुधार हो सकता है, उसके लिए आया हूँ। यहाँ से जेल से जेल प्रशासन यहाँ देगा, और साथ ही साथ जो हमारे वल्नरेबल स्पॉट्स हैं वहाँ पर हम CCTV माउंट कराएंगे वॉल पे। जो हमारी जेल की जो मेन वॉल है उस पेरीमीटर पे हम CCTV माउंट कराने से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। और अभी भी होमगार्ड के माध्यम से या जेल कर्मी नहीं है तो पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता। एक यहाँ तक बंदियों की बात है, यहाँ क्षमता से अधिक बंदी है, 880 करीब बंदी हैं, जबकि क्षमता 550-600 की। तो जो भी सजा याफ्ता बंदी हैं 200 के करीब, उनको एक फेज्ड मैनर में, स्टैगर्ड मैनर में यहाँ से उनकी जो मदर जेल है वहाँ भेजा जाएगा, क्योंकि ये जिला जेल है। सजा याफ्ता के लिए नैनी जेल है, लेकिन वहाँ भी ओवर क्राउडिंग चुकी है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे फेज मैनर में यहाँ जेलों को डी क्राउडिंग कर रहे हैं। जानते हैं कि जेलों में मोबाइल फोन को बैन किया गया है, ये आदेश मेरे द्वारा लागू किया गया है, 1.5 महीना हो गया। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को जेल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। अभी मैं भी इंस्पेक्शन पे अंदर गया हूँ, मोबाइल बाहर रखते हैं। सभी सुख सुविधा हम दे सकते हैं लीगल तरीके से, जो रूल्स में, जेल मैनुअल में, शासनादेश में नियत है, वो उसको पर्याप्त और भरपूर मिले। हाँ, कोई दुर्व्यवस्था होगी, कोई इंडिविजुअल अगर आप कोई माल प्रैक्टिस है तो उसकी जांच कराने के लिए हम लोग सक्षम हैं, और उसकी जांच कराने के लिए पूरी तरीके से स्वीकृति है। जेल में किसी प्रकार का की दुर्व्यवस्था या इस तरह की नहीं चलेगी, और जो भी इसमें लिप्त होगा फिर कठोर कार्रवाई जाँच के बाद की जाएगी।